एवरीवन, दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी के रिजल्ट की घड़ी काफ़ी करीब आ गई है। इसी बीच एक बड़ा सवाल आता है सामने कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको पूरी ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बताया था कि कैसे आपको कॉलेज मिलता है, किस प्रकार से आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई होता है। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों ने उस वीडियो को पसंद करा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों पर ही आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि आपने रिक्वेस्ट करा था कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको रिक्वायर्ड होंगे, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताएं। तो आज हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपको ये अभी से बनवा कर रख लेना है क्योंकि आपको रिजल्ट जारी होते ही ज्यादा समय नहीं मिलेगा और टीजीटी के अभ्यर्थियों को तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा क्योंकि उनका डायरेक्ट भर्ती होनी है इसके बाद। और पीजीटी में जो है वो इंटरव्यू के टाइम पर भी उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना पड़ेगा और उसके बाद जब उनका पैनल जारी होगा फिर भी उनको जिस स्कूल में उनका सिलेक्शन होगा उनको वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन डॉक्यूमेंट्स को ले जाना होगा। तो आज इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है आप उनको अभी से बनवा लीजिए ताकि आपको अपने इंटरव्यू या अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों देख लेते हैं। दोस्तों सबसे बेसिक जानकारी, आपको पता है कि 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है, बीएड है या एमएड है या कोई भी पीएचडी सर्टिफिकेट है, आपके पास मार्कशीट है, तो इन सभी को आपको क्या करना है, लेकर जाना है। ओरिजिनल तो आपको लेकर जाना ही जाना है, उसके अलावा आपको इनकी फोटोकॉपी भी लेकर जानी है जिसको आपको सेल्फ अटेस्ट करना होगा और इसकी दो दो कॉपी, चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो चाहे आप अपने स्कूल पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो। मैंने आपको बताया था कि यहाँ का मैनेजमेंट प्राइवेट होता है तो वो डिपेंड करता है, हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DIOS ऑफिस पर ही, और हो सकता है जिस स्कूल में आपका सिलेक्शन हो वहाँ पर हो, तो इसीलिए आपको ये दो सेट लेकर जाने हैं फोटोकॉपी के और इनका ओरिजिनल भी लेकर जाना है। उसके अलावा न्यू फोटोग्राफ, आप अभी अभी अगर आपकी फोटोग्राफ पुरानी है तो आप अभी के अभी फोटो क्लिक करवा लीजिए और उन न्यू फोटोग्राफ्स को आपको लेकर जाना है। एटलीस्ट 2 से 3 फोटोग्राफ्स आप लेकर जाएंगे। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपका अनरिजर्व्ड हैं आप तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैंडिडेट हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना बनवा लेना है और वो पिछले 6 महीने का ही होना चाहिए। इसीलिए अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी अप्लाई कर दीजिए, आपका जल्दी से आ जाएगा, लेकिन अगर आपने देर करी तो दिक्कत हो सकती है। हाउस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र भी आपका 6 महीने के अंदर का होना चाहिए क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, कहीं कहीं वो 6 महीने के अंदर का ही मांगते हैं तो आप इसमें गलती ना करें। दूसरा, वैसे तो पहले 3 साल तक के लिए वैलिड होता था लेकिन अब ज़्यादातर जगहों पर 6 महीने के अंदर का मांगते हैं। और उसके बाद आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, अभी के अभी आप क्या करें, हेल्थ सर्टिफिकेट भी बनवा लें क्योंकि उसके बाद हो सकता है आपको समय ना मिले या किसी भी कारणवश आप ना बनवा पाएँ, आपको CMO से इसको बनवाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इसको भी बनवा कर रख लें। उसके बाद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आप अगर PH कैंडिडेट हैं तो आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी के अभी जो जांच करवा कर है वो बनवा लेना चाहिए। ओरिजिनल अपडेट आपको करा लेना चाहिए, अगर आपका ऑलरेडी है तो आप अपडेट करा लीजिए, पिछले 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपके द्वारा पूछा जा रहा था, दोस्तों अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती है तो आप उसको हो सके तो चेंज करवा लीजिए, नहीं चेंज करवा सकते हैं तो उससे रिलेटेड आपको एफिडेविट बनवा लेना है। उसके अलावा मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट सही है लेकिन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ गलती करी है तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवा कर रख लेना है ताकि जैसे ही आपको बुलाया जाए कोई समस्या ना हो। हालांकि 1 से 2 दिन में एफिडेविट बन जाता है, अगर आपको लगता है कि उसी टाइम पर बन जाएगा तो आप बनवा ज़रूर लीजिएगा। याद से यहाँ पर आपको कोई बताने नहीं आएगा कि आप बनवा लेंगे, जब आपको जाना है तो आपको एफिडेविट बनवाना है। अगर आपके कोई भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस होने हैं, आप नहीं करवा पाए हैं या कोई भी कारणवश आपके में फॉर्म में कोई गलती हुई है तो आपको वो डॉक्यूमेंट बनवा लेना और इन सभी की दो दो कॉपी आपको लेकर जानी है, ओरिजिनल भी लेकर जाना है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट और आपने WS के लिए अप्लाई किया था तो आपके पास उसका भी सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट और गाइडेंस के लिए आपको चैनल के थ्रू ऑथेंटिक और वेरीफाइड जानकारी हमेशा मिलती रहेगी। नमस्कार।